ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने में 2 महीने से भी अब कम का समय बाकी है, तो सबको इंतजार है कि इस वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई स्क्वाड का ऐलान आखिर कब करने वाला है। इस वर्ल्ड कप में हमें कौन से 15 सदस्यों के खिलाड़ी नजर आने वाले हैं, किन खिलाड़ियों को इस वर्ल्ड कप में मौका मिलने वाला है। अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ही टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान किया है, तो भारत भी जल्दी ही कर लेगा। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि कब, आखिर कब बीसीसीआई स्क्वाड का ऐलान करेगा। तो आपको बता देते हैं कि आईसीसी ने डेडलाइन जारी कर दी है 5 सितंबर की। 5 सितंबर तक सभी टीमों को अपनी 15 सदस्यों की स्क्वाड की लिस्ट आईसीसी के पास जमा करानी ही होगी। तो भाई 27 सितंबर तक का सबके पास वक्त होगा अपने स्क्वाड में, अगर कोई बदलाव करना चाहता है बिना परमिशन के तो वो कर सकता है 27 सितंबर तक। 5 सितंबर तक आईसीसी को अपने स्क्वाड की लिस्ट जमा करनी होगी 15 सदस्यों की। तो 5 सितंबर से 27 सितंबर तक का वक्त होगा अपनी स्क्वाड में कोई भी बदलाव करने का बिना किसी परमिशन के। लेकिन 27 सितंबर के बाद कोई भी टीम अगर अपने स्क्वाड में बदलाव करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर वो करना चाहती है तो उन्हें आईसीसी से यहाँ पे परमिशन लेनी होगी अपने स्क्वाड में बदलाव करने की, और अगर आईसीसी मंजूरी देगा तो ही वे बदलाव कर सकते हैं स्क्वाड में, वरना जो सदस्य की टीम उन्होंने तैयार की थी उसी की टीम के साथ उन्हें वर्ल्ड कप के लिए उतरना पड़ेगा। तो ऐसी खबर आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पहले हफ्ते में सितंबर के बीसीसीआई स्क्वाड का ऐलान कर देगी। लेकिन अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की जो स्क्वाड होगी उसमें कई सारी चुनौतियां यहाँ पे उनके सामने खड़ी हुई है, कई सारी चोटें क्या कहते हैं उनके सामने हैं, कई सारे खिलाड़ी उनके चोटिल चल रहे हैं जो सबसे बड़ी समस्या उनकी बनी हुई है। अगर बात करें जसप्रीत बुमराह से पहले, जसप्रीत बुमराह भले ही इस महीने वापसी करने वाले हैं आयरलैंड दौरे में, जो 3 मैचों की टीम इंडिया सीरीज खेलेगा T20 की आयरलैंड के साथ, वहाँ पे बुमराह वापसी तो करने वाले हैं लेकिन उस सीरीज में पता चलेगा बुमराह की फिटनेस और किस तरह की परफॉर्मेंस अपनी दिखाते हैं। तो भाई श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, ये दोनों ही खिलाड़ी इस समय NCCA में भले ही जम के बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म रिपोर्ट्स नहीं आई है कि ये दोनों पूरी तरह से फिट हैं तो इनकी वापसी वर्ल्ड कप से पहले हो पाएगी। ऐसे में यहाँ पे अगर ये तीनों में से कोई भी खिलाड़ी 5 सितंबर तक अगर पूरी तरह फिट नहीं होता तो यहाँ पे इंडिया को बैकअप ऑप्शन ढूंढ के चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये खिलाड़ी हमें इस वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इन खिलाड़ियों का 5 सितंबर तक पूरी तरह फिट होना। अब देखने वाली बात है खिलाड़ी फिट होते या नहीं होते तो इनकी जगह बैकअप ऑप्शन में टीम इंडिया किन सदस्यों की टीमों को, किन खिलाड़ियों को मौका देती है अपने स्क्वाड में। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने 18 से 19 सदस्यों की स्क्वाड तैयार कर ली है, लेकिन उन्हें आखिर में जाकर 15 सदस्यों की स्क्वाड ही आईसीसी को जमा करवानी है। तो देखने वाली होगी कि किन 15 सदस्यों की स्क्वाड वे तैयार करती है, कौन से खिलाड़ी हमें इस वर्ल्ड कप में नजर आते हैं, किनको मौका मिलता है, बुमराह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल फिट होते हैं या नहीं होते तो इनकी जगह किसको मौका मिलता है, देखने वाली बात होगी। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन से 15 सदस्यों की स्क्वाड हमें भारत की नजर आने वाली है इस वर्ल्ड कप में, मुझे फटाफट से कॉमेंट जरूर बताइए। आप जो तूफान स्पोर्ट, इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।